थाम करके बैठी है, अब आपके सामने आ रही है। तो मैं सुबह पहुंचा और मैंने कहा इसको मारूंगा मैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसे आप हमारे दर्शकों तक साझा करना चाहें? मैंने कभी शेयर नहीं की है, आपने ऐसे पूछा तो मैं अचानक याद आ गया। तेरे जैसे बहुत आते हैं इधर, नया था तो ज्यादातर वो लोग जो एंकर करते थे भारी आवाज ना देख लिया। आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? डर किसी से नहीं लगता और ना किसी को लगना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे हिंदन्यूज.लाइव की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हिंदन्यूज.लाइव के स्टूडियो रूम में मौजूद है भारत के जाने माने हास्य कलाकार राजीव निगम जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। तो सर, पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। जैसे कि शुरुआती दौर में, जैसे करियर की शुरुआती दिनों में, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसे आप हमारे दर्शकों तक साझा करना चाहें? मतलब कोई एक घटना हो तो बताएं। शुरुआती दिनों में घटनाएं ही घटनाएं घटती थी और तो कुछ होता ही नहीं था जी। तब काम तो होता नहीं था, कुछ नहीं होता था, स्ट्रगल होता था। तो आज ये घटना घट गई, कल वो घटना घट गई, सुबह से शाम तक और दूसरे दिन तीसरे दिन घटनाएं ही घटती रहती थी जी। और तरह तरह की घटनाएं घटी। एक घटना बड़ी, मतलब मैंने कभी शेयर नहीं की है, आपने ऐसे पूछा तो मैं अचानक याद आ गया जी। वो बड़ी दर्द भरी घटना है, इसलिए मैं बताता नहीं, क्योंकि दर्द और दुख से अपना कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। जी जी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उस वक्त स्ट्रगल करता था मैं, तो अपने पास 10 रुपए अंदर कहीं पड़े रहते थे। दो चार दिन में जब कभी इमरजेंसी में वो 10 का नोट निकालता था, नहीं तो पैदल चल देता था कहीं कुछ खा लिया। तो एक बड़ा पाव की दुकान थी तो वहां पे काफी भीड़ लगती थी। उस दिन मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने कहा 10 रुपए निकालते हैं और 2 रुपए का बड़ा पाव खाएंगे, 1 रुपए की चाय पीऊंगा और आज बस में बैठ के जाऊंगा 2 रुपए बस के, और फिर भी 5 रुपए अपने बच जाएंगे। ये हमने पूरा प्लान किया। दुकान पे गया, उससे बड़ा पाव लिया, ना बड़ा पाव खाया, भीड़ भाड़ रहती थी और मैंने उसको 10 रुपए दिए। फिर मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, हुआ बिजी था ये, तो हमने भाई मेरे पैसे तो वापस, बोलो पैसे तुमने दिए कहाँ भी? तो हमने पैसे दिए आपको 10 रुपए। तो बोलता है तेरे जैसे बहुत आते हैं इधर, बोलता है कि हमने कहा भैया वही 10 रुपए लास्ट था मेरे पास। बोला ऐसे कैसे कि वही 10 रुपए लास्ट था, ये वो। तो उसने मुझे ऐसे पुश कर दिया, धक्का दे दिया और मानने को तैयार ही नहीं। अब मैं बड़ा निराश कि वही 10 रुपए का हमने कितना प्लान बनाया था। तो अब हम लोग वैसे भी जेन्युइन सच्चे अच्छे लोग, मुझे बड़ा हर्ट हुआ। वो रात भर मैं सोया नहीं, हमने तो सुबह जाकर के ना उसको मैं कायदे से, क्योंकि अच्छा। इतना बड़ा, तो मैं सुबह पहुंचा, हमने कहा इसको मारूंगा मैं। तो मैं थोड़ा इधर उधर जायजा ले रहा था, इतने में उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा। नजर पड़ गई तो दौड़ के खुद ही मेरे पास आया, कहने लगा रहे सॉरी भाई यार, कल वो भीड़ भाड़ में ये वो ना। बाद में मैंने लड़के से पूछा और उसने जो है बाद में बताया कि नहीं पैसे दिए थे, तो मेरी गलती हो गई ये वो। उसने मेरे को सॉरी बोला, बोलता भाई आप जब भी इधर से निकलोगे आपका हमेशा ऑल टाइम हम आपको फ्री खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा। तो एक ऐसी घटना जब मेरे पास, मतलब पैसे जो थे वो भी निकल गया, फिर मुझे पैदल जाना पड़ा, रात भर नींद नहीं आई। तो ऐसी कई घटनाएं हो जाती थी, देखने सुनने में हम ऐसे ही थे, ये था जेब में पैसे नहीं, स्ट्रगल और तो इतनी भीड़ भाड़ में कौन किसको काउंट करता है। ये चीज़ थी। अच्छा सर, जैसे कि हम हमारा प्लान होता है बचपन से ही कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, आपका क्या प्लान था? आपको हमेशा से ही हास्य अभिनेता लाइक कॉमेडियन बनना था या फिर आपने सोचा कि नहीं कुछ और बनना था? तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ बचपन से प्लान होता है, आपने बताया, आपका क्या प्लान था बचपन से? मेरा बचपन से तो डॉक्टर का प्लान था, लेकिन आप क्या बन गई? एंकर। ठीक है जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग भाई बहन हो गए जी। हाँ, वो ईश्वर रास्ता दिखा दी गए। आपको भी डॉक्टर बनना था, मुझे भी डॉक्टर बनना था जी, और मैं तो डॉक्टर बन गया था। ओ अच्छा, इसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी? हाँ, वो थोड़ी वो भी सैड स्टोरी है डॉक्टर, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई फोकस एकदम घुस करके काम करता था। तो जैसे आज नीट वीट की परीक्षा होती, वो टाइम पे सीपीएमटी होता था। तो मैंने पढ़ाई लिखाई की बड़ी, वो टाइम पे भी कोचिंग वोचिंग होती थी, हमारे घर के संसाधन उतने थे नहीं कि कोचिंग वोचिंग, तो भी अपना रात में सुबह ये वो अपनी बुक्स वुक्स में तैयारी करके सीपीएमटी का एग्जाम दे करके, तो पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, पहली बार में ही। लेकिन सिलेक्शन क्या हुआ, उसमें कैटेगरीज होती थी MBBS BDS BAMS, तो उन्होंने BMS में हमारा आया, हमें BMS थोड़ी करना है।
तो मैं ग्रेजुएशन करने लगा साथ में, फिर पढ़ाई करने लगा, फिर मेरा सेकेंड टाइम पे हो गया। अब हो गया तो फिर कॉलेज गया, झांसी मेडिकल कॉलेज मिला था मुझे, गया वहाँ पता लगाया, ये किया, बोले इतने पैसे लगेंगे, इतने साल के इतने पैसे, जबकि सरकारी ये था। तो घर की हालत देखी सुने तो मैंने घर में बताया ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो ये चीज आई, मतलब आपने अपना सपना दबाकर अपने तब तक मैं थिएटर वेटर करने लगा था। अच्छा, मैंने कहा कि ये छोड़ दिया है क्योंकि फादर बोलते थे मैं अपने आप को बेच दूंगा तुमको पढ़ाने के लिए, ये कर दूंगा, कहीं से भी लाऊंगा, कुछ भी करूंगा। तो मुझे लगता था 5-6 साल ये रोज रोज कैसे कैसे, हमने बताया ही नहीं उनको। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया, हमने ये जो डॉक्टर बनता मैं 5 साल में, मैं इससे बड़ा डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, और फिर वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुंबई चला गया और एक हंसी का बड़ा डॉक्टर बना। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में अपनी एक अलग सी पहचान बनाना। सारी मुश्किलें तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है ना, बड़े लोगों के लिए क्या मुश्किलें है, सारी मुश्किलें मिडिल क्लास लोगों के लिए। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के पास में बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है। पॉजिटिव ये होता है कि मिडिल क्लास आदमी संघर्ष करना जानता है, मिडिल क्लास आदमी हर हाल में खुश रहना भी जानता है, मिडिल क्लास आदमी जमीन पे भी लेट जाएगा, मौका पड़ेगा तो कहीं किसी को जी हुजूरी भी कर लेगा, तैयारी भी कर लेगा, किसी से रिक्वेस्ट भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा जी। तो मिडिल क्लास आदमी के लिए जितनी निगेटिव चीजें हैं उतनी पॉजिटिव चीजें भी हैं, बड़े लोग ये सब नहीं कर पाएंगे जी। तो ये सब करने के बाद में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलते हैं करते हैं तो मिडिल क्लास आदमी ही जितने लोग बड़े बने हैं ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही है जी। क्योंकि वो संघर्ष करना, चीजें जूझना, जानना, तैरना और लक्ष्य को हासिल करना, ये आई थिंक मिडिल क्लास लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। डेफिनेटली। अच्छा सर, आपकी कॉमेडी का रहस्य क्या है, मतलब आपको हमेशा अपने दर्शकों को हंसाने का तरीका कैसे मिल जाता है? कॉमेडी का रहस्य जी बिल्कुल ये आजकल मैं वही सोच रहा हूँ जिस तरीके से न्यूज चैनल पे आते हैं ना जी, कि आजकल क्या है इस सुरंग का रहस्य, आज रात 9 बजे हम आपको बताएंगे। तो कॉमेडी का आप रहस्य पूछ रही हैं जी। रहस्य कुछ बहुत सिंपल सा है कि आप अपने आप में एक अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग, ऑब्जर्वेशन, ओपन आईज, ओपन नजर, आपका जो काम है तो हम सबको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वहीं में से हर जगह कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा निकलते रहते हैं और मजा आता है। जब आप कोई छोटी बात सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाला खुश होता है तो उसका रिएक्शन आपको आता है जी। वो रिएक्शन आपको एनर्जी देता है तो उससे दूसरी चीजें डेवलप होती है। तो ये एक प्रोसेस है, छोटे छोटे प्रोसेस करके, रहस्य नहीं है, प्रोसेस है। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि आप राजनेताओं पर भी व्यंग करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी नेता पर व्यंग किया हो और आपको किसी तरह की धमकी या इस तरह के लाइक की कहते हैं धमकी देना, कि कभी ऐसी आपको धमकियां मिली हो या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो? हाँ, बहुत सारी धमकियां मिलती है क्योंकि दौर ऐसा हो गया है, समय ऐसा हो गया है कि लोगों की जो सहिष्णुता है वो कम होती जा रही है, हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर ये सब कम हो गया है। लोग लिपे पुते लोग हैं जो भी राजनेता है जिनको आप कह रही हैं, है ना, वो सत्ता में है, चीजें हैं तो ठीक है, राजनेता ये हो गए, नहीं कहा कि नेता सब लत्ता पत्ता गत्ता सब ऐसे ही होते हैं, कोई ये नहीं है। तो सहनशीलता खत्म हो गई है और लिपे पुते लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मार्केटिंग से, इससे उससे, पेपर में छप के झूठी बातें बोल करके, फरेब करके, यहाँ तक चमक करके एक पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, तो जो चीज़ें नज़र आती हैं तो वो बोलना पड़ता है। तो कई बार ये लोग धमकाते भी हैं, वाया वाया ना देख लेंगे, ये कर देंगे। आपको डर नहीं लगता? डर किसी से नहीं लगता और ना किसी को लगना चाहिए, क्योंकि डर किस चीज़ का होता है कि अगर वो जो कह रहे हैं, अगर उन्होंने कह कर दिया तो, हाँ तो इस तरह का डर, नहीं, नहीं, क्या कर दिया, जिस तरह से धमकाया आप, हाँ, मान लीजिए तो क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है ना, लेकिन अब आपको डर लग रहा है वे बोलने में। तो देखो तो क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा आदमी धमकी यही देता, देख लूंगा तेरे को, बंद कर दूंगा, बंद करवा दूंगा, मार दूंगा, यही होता है। लेकिन ये सारी चीजें सब ईश्वर तय करता है ना, अच्छे खासे लोगों का कब कौन दुर्घटना का शिकार हो जाता है, कब, अभी ट्रेन दुर्घटना हुई, सैकड़ों हजारों लोगों का उसमें निधन हुआ, तो कौन कहाँ से जा रहा था, कब कहाँ क्या क्या, डर डर करके आप क्या करेंगे, तो डरना नहीं चाहिए, बेखौफ हो करके, और आपके अंदर प्योरिटी हो, ऑनेस्टी हो, तो फिर डर किस बात का, सिर्फ डरना ईश्वर से। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, आपके इतने करियर के दौरान में आपको आपका कोई ऐसा मोमेंट जिसे आप आज भी याद करके हंसते हो, मतलब कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी चीज एक्टिविटी जो आपके साथ हुई हो उसको आप याद करके आज तक हंसते हो, या आप बैठते हो सोचते हो और आपको ठाके मार के हंसते हो? क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बार मैं नया था जब मुंबई में, तो ऑर्केस्ट्रा और शोज वगैरह होते थे, तो मैं वहां पे स्ट्रगल करता था, कोई मेरे को शो में कहीं एंकरिंग घुस जाऊं, कुछ मौका मिल जाए तो। लेकिन तब मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, नया था, तो ज्यादातर वो लोग जो एंकर करते थे भारी आवाज में, तो मैं उनको देखा, फॉलो किया करता था, किस तरीके से एक आधी इंग्लिश के वर्ड्स उसमें डाल करके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम करके बैठिए, अब आपके सामने आ रही है मिस पूजा। ये स्टाइल की कुछ होता था, अभी कंफर्ट तो नहीं होता था, लेकिन हमने कहा यही चलता है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं एक शो में बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं वहां पर पहुंच गया, और एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे राम लक्ष्मण जी, जो जिन्होंने हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, राजश्री फिल्म की जितने फिल्में बनती थी उनके म्यूजिक डायरेक्टर वही हुआ करते थे। अच्छा। उनकी पत्नी थी शोभा देवी, उनका ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, तो मैं उस शो में कैसे कैसे जुगाड़ उगाड़ लगा के पहुंच गया। मुझे ये नहीं पता था कि इनकी पत्नी है क्या है, मैंने उनको देखा भी नहीं कैसी, तो मेरे को एंकरिंग तो ये हुआ कि इसके बाद शोभा जी जाएंगी, शोभा जी को अनाउंस कर दो। तो मैंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने आ रही हैं मिस शोभा। हमने बोल करके अपना निकल आया, हमने कहा शोभा जी जहाँ गए से होंगे अपना निकलेंगी। अब वो शोभा जी एकदम ऐसे ऐसे चली आ रही, उनका वजन भी और ये वो, सीनियर थी लोग, ये मिस शोभा, पब्लिक भी मिस शोभा। उसके बाद तो जिस बस से हम लोग गए थे पुणे शो करने, तो जितने म्यूजिशियन ये वो रास्ते भर मेरी बैंड बजाते हुए वो लोग आए, बोले यार क्या तू है ना, तू मिस, अरे मिस तो मिसेज, और ये हमने भाई मेरे को, लेकिन कितने टोन में ही सेट हो चुका था, वो टोन में सेट हो चुका था एग्जैक्टली, तो मिसेज को, इतनी बड़ी मिसेज को हमने मिस बोल दिया है ना। ओके, एक अद्भुत कॉमेडियन बनने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है? आप लगे रहिए और काम करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, लोगों की रिएक्शन लेते रहिए, और सुबह से शाम तक एवरीडे आपको नया पुराना देखना सुनना पढ़ना लिखना ऑब्जर्वेशन और निरंतर कंटिन्यूटी पे आपको लगे रहना पड़ता है सर। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को एक अपने अंदाज में अपने डायलॉग्स जो है एक जरूर प्रस्तुत करिए हमारे दर्शकों के लिए। अरे इनके दर्शकों के लिए, इनके दर्शक कुछ अलग है, हमारे दर्शक कुछ अलग है, है ना? नहीं, हमारे दर्शकों के लिए, मतलब हमारे इन द सेंस ऑफ मेरे भी, हमारे दर्शकों के लिए, मतलब बिल्कुल आ गया कि आपके दर्शक मेरे दर्शक मिला करके हमारे दर्शक, मतलब वो मुझे याद आ रहा है कि एक महिला थी, उनके दो बच्चे थे, तो उनके पति ने उनको डिवोर्स दे दिया और कुछ साल बाद उस महिला ने दूसरी शादी कर ली अपने दोनों बच्चों के साथ, और जिनके साथ शादी की उनका भी डिवोर्स हो चुका था। अच्छा। उनके भी दो बच्चे थे। ओके। फिर कुछ साल के बाद शादी की इन लोगों ने, तो इनसे भी दो बच्चे हो गए। ओके। तो एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, कह रहे थे कि डार्लिंग वो देखो तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे अपने बच्चों के साथ कितने प्यार से खेल रहे हैं।